उन लोगों ने क्या किया है वो सुनने की कोशिश करें, है ना। आपके पास गुलाम अली साहब आएंगे तो आप उनको ऐसी लागी लगन गाने के लिए नहीं बोलेंगे, ये सच्चाई है। तो हर एक कलाकार को एक हक होता है कि वो आगे चल के वो भी गुलाम अली साहब की तरह अपना नाम बनाए, उनसे कम बनाए लेकिन अपना नाम हो। तो जितने भी बिहार में गाने वाले कलाकार, अभी आपने देखा होगा मेरे से पहले एक लड़का गा रहा था किशन, और भी कलाकार गा के गए, सब लोगों के पास अपनी बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। आप लोग चाहें तो वो सब भी सुने। और ये जो गजल की फरमाइश है मैं इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि ये मेरी है और आप लोगों ने फरमाइश की है, लोग राहों में कांटे बिछाते रहे। और अपनी वफा की कुछ इस तरह मिसाल देता हूं, कहते हैं कि अपने वफा की कुछ इस तरह मिसाल देता हूं, अपने वफा की कुछ इस तरह मिसाल देता हूं, कोई कुछ पूछे तो टाल देता हूं, ठोकरे उसी की खाता, ठोकरे उसी की खाता हूं जिसके पांव से कांटा निकाल देता हूं। गजल लोग राहों में कांटे बिछाते रहे, लोग राहों में कांटे बिछाते रहे, लोग राहों में कांटे बिछाते रहे। क्या है गजल आप लोग बताएं कि लोग राहों में लोग राहों में कांटे बिछाते रहे, और हम खुदा की कसम मुस्कुराते रहे, हम खुदा की कसम मुस्कुराते रहे, लोग राहों में कांटे बिछाते रहे। मैंने उन्हें कभी भी ना रोने दिया, मैंने उनको कभी भी ना रोने दिया, मैंने उनको कभी भी ना रोने दिया, लेकिन वो सितम पर सितम हम बैठाते रहे, वो सितम पर सितम हम बैठाते रहे, लोग राहों में कांटे बिछाते रहे। कोई सुनता नहीं है सुने ना सुने, सगम सगम मैं बता दे रहा हूं, मैं गाता हूँ, आप लोग सुनते हैं, बड़ा प्यार है आप लोगों का, दुआएं हैं, आशीर्वाद है, लेकिन जो नहीं सुनते हैं हम जैसे कलाकारों को, उनके लिए ये शेर है। कोई सुनता नहीं है सुने ना सुने, कोई सुनता नहीं है सुने ना सुने, पर गजल अपनी हम गुनगुनाते रहे, पर गजल अपनी हम गुनगुनाते रहे।
रोकना।